हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनिताज वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ डोरिटो चिप्स की रेसिपी। वैसे तो आमतौर पर वो कॉर्नफ्लावर के बने हुए होते हैं, लेकिन मैंने बनाए हैं ये बेसन से, तो इतना सा ट्विस्ट मैंने किया है। लेकिन ये बिल्कुल वैसे ही खाने में लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। कोई भी फ्लेवर आप इसमें डाल सकते हैं, मैंने गार्लिक फ्लेवर रखा है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो यहाँ पे डोरिटो चिप्स बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, मतलब कि मक्के का आटा। तो ये मैंने बेसन ले लिया है एक कटोरी के करीब। साथ में इसमें पड़ना है मोयन थोड़ा सा, क्योंकि हमारे चिप्स एकदम खस्ता बनने चाहिए, क्रिस्पी बनने चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल लिया है जिसमें मैं बेसन को डाल रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले कुछ। तो इसके लिए मैंने हाफ स्पून ये क्रश की हुई काली मिर्च पाउडर लिया है, और ये मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना ना डालें। तो कसूरी मेथी को मैं क्रश करके इस तरह से डाल रही हूँ। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर चटपटेपन के लिए। ये डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक फ्लेवर। तो 4 से 5 कली मैंने गार्लिक की ली थी, मतलब कि लहसुन की ली थी, और उसको मैंने ग्रेट करके इसमें डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मोयन। तो मैं 4 चम्मच के करीब इसमें मोयन ऐड करूँगी। इससे हमारे जो चिप्स हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे और हर चीज़ बहुत अच्छे से बाइंड भी हो जाएगी। तो मोयन डालने के बाद, जो मैंने डाला है वो रिफाइंड डाला है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद अच्छे से इनको मैंने मैश कर दिया है, हर चीज़ को अच्छे से मिला दिया है, और इस तरह से ये बाइंडिंग बन रही है। इसका मतलब कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट पड़ा है हमारा। इस तरह से मुट्ठी में करके इसको देखिएगा, अच्छे से बाइंड हो रहा है और इस तरह से टूट रहा है, तो इसका मतलब हमारा मोयन परफेक्ट है बिल्कुल। और अब ये बनाने के लिए तैयार है। तो अब मैं इसका डो तैयार कर लूँगी। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और बहुत ही टाइट सा डो रखेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो। तो ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको माड़ूंगी और डो तैयार कर लूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से डो को माड़ रही हूँ। अगर आपको टाइट नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप सूखा बेसन और ऐड कर सकते हैं, और बिल्कुल टाइट सा डो मार के इस तरह से तैयार कर लेना है, जिस तरह से मैंने कर लिया है। तो ये मेरा अच्छे से मड़ के तैयार है बेसन का डो। तो ये डो बन के तैयार है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको रख दूँगी। ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही मैं इससे बनाऊँगी चिप्स। तो चिप्स बनाने की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है ये बेसन की लोई, इतनी बड़ी ली है मैंने, और अब मैं इसको माड़ूंगी। तो माड़ने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं सूखा बेसन, या फिर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सूखा बेसन यूज़ कर रही हूँ, उसको मैंने लगा लिया है, तो ईज़िली हमारी रोटी जो है बिल जाएगी। और दोनों तरफ से मैं इस तरह से सूखा सूखा बेसन लगा के फिर मैं इसको बेलूँगी। पतली सी रोटी बेलने के बाद मैं इसमें फोक से इस तरह से जगह जगह पे होल बना दूंगी। आप नाइफ़ से भी बना सकते हैं। ऐसा करने से चिप्स जो बनाएंगे हम वो फूलेंगे नहीं और बिल्कुल फ्लैट बनेंगे, जिस तरह से होते हैं चिप्स। तो उसके बाद मैं इनको शेप दे दूंगी। तो मैं काट रही हूँ चाकू से इनको। तो इस टाइम पे आप इनको कैसा भी काट सकते हैं, लंबा लंबा भी रख सकते हैं, ट्रायंगल चाहें तो ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, स्क्वायर चाहें तो स्क्वायर शेप दे सकते हैं, या लंबा लंबा पट्टी टाइप का रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का भी रख सकते हैं। तो ये मैंने काट लिया है और इतना पतला रखा है मैंने इनको, और अब मैं इनको अलग कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी लोई की भी एक रोटी बेलूंगी और उससे मैं ट्रायंगल शेप बना के दिखाऊंगी। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको गोल बेलिए और साइड से इसकी हटा दीजिए, और इस तरह से जब ये चौकोर हो जाए तो इसे ट्रायंगल शेप दे दीजिए। इस तरह से आप इनको काट के ट्रायंगल शेप दे सकते हैं, और डोरिटो चिप्स जिस तरह के दिखते हैं उस तरह के बना सकते हैं। अब मैं इसको सेकूंगी। तो उसके लिए मैंने गैस पे एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। डीप फ्राई करूँगी मैं, तो ऑयल गर्म होते ही मैं चिप्स इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है जब आप चिप्स ट्रांसफ़र करें, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, जलने का डर जल्दी रहता है, इसलिए लो फ्लेम पे ही पकाएं।
बीच बीच में इनको थोड़ा थोड़ा चलाते रहें। आप चाहें तो इनको बेक भी कर सकते हैं ओवन में और ये इतने ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये चिप्स मेरे फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, पक के बिल्कुल तैयार हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये थी होममेड डोरिटो चिप्स की रेसिपी और बहुत ही जल्दी बनके ये तैयार हो जाते हैं। बेसन के बने हैं ये, आप कॉर्नफ्लावर के भी बना सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखा आपने कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।